अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आया हूँ T1 P1 वाली फ़ेज़। पिछले वाले वीडियो पे कई सारे बंदों ने कमेंट किया था कि T1 P1 वाली फ़ेज़ भी जाओ, वहाँ की भी अपडेट दो। तो आप जो ये देख रहे हो अभी, ये टनल के बाहर का व्यू है, यानी कटरा वाली साइड का व्यू है। यहाँ राफ्टिंग हो चुकी है, अभी इसमें थोड़ा ही बचता है, नियर अबाउट 100 मीटर समझो आप, 100 मीटर के आसपास बचता है टनल तक। तो दोनों साइड से काम चल रहा है, टनल में भी काम चल रहा है, P1 साइड से भी, P2 साइड से भी, और टनल के बाहर जो हिस्सा है उसमें भी काम चल रहा है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, ये टनल के बाहर वाला हिस्सा है, इसमें राफ्टिंग हो चुकी है, फिर उसके बाद इसमें TCL होगा, और ये 100 मीटर है, ये नेक्स्ट डे इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये देखो, यहाँ तक राफ्टिंग हो चुकी है, तो उसके बाद इसमें TCL का काम हो जाएगा बाद में। तो फिलहाल अभी मैं अंदर जाता हूँ टनल के अंदर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टनल में कितना काम हुआ है, कितना अभी बाकी है, तो TCL कहाँ तक पहुँचा और SBL कितना अभी करना बाकी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बस आपने क्या करना है, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पिछले वाले वीडियो पर भी बहुत कम लाइक्स मिले हैं मुझे, तो मैं उम्मीद करूंगा इस वाले वीडियो पे आप जो भी कोई वीडियो देख रहा है वो लाइक करेगा और कमेंट करेगा नीचे कि इंडिया के किस कोने से आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो ये आप टनल का बाहर का व्यू देख रहे हो T1 P1 वाली फेज़ का। तो अभी इसमें TCL भी चल रहा है और SBL भी चल रहा है। ये देखो, यहाँ तक तो तकरीबन SBL हो गया है, यानी नीचे कंक्रीट डाल दिया गया है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा वो वाला हिस्सा जिसमें अभी TCL का काम चल रहा है उसमें अभी कंक्रीट डाला जा रहा है, कंक्रीट से उसको बंद किया जा रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ आगे, आपको पूरा अपडेट देता हूँ। बस कुछ ही दिनों की गेम है ये, मेरे ख्याल में 10 या 15 तक ये दोनों फेज़ जो हैं T1 P1 फेज़ भी और T1 P2 वाला फेज़ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कल मैं फिर से आपको और एक अपडेट दूँ। तो आज जो आप वीडियो देख रहे हो ये 3 तारीख की है, तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ आज क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला इसको एडिट वगैरह करने का। तो ये आप 3 तारीख की वीडियो देख रहे हो। आज मैंने फिर से जाना है T1 P1 वाली फेज़, यानी 4 तारीख है आज, तो आज मैंने फिर से जाना है T1 P1 वाली फेज़, तो उसकी वीडियो मैं बनाऊँगा और वो मैं 5 तारीख को 6 बजे अपलोड कर दूँगा। तो अभी जो ये विजुअल्स आप देख रहे हो ये 3 तारीख की है, मतलब एक दिन पीछे है। तो अभी आप देखो, यहाँ तक भी SBL हो गया है, बट इसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी आ गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन SBL हो गया है इसमें भी। तो अभी मैं आगे जाता हूँ, कहाँ तक ट्रैक आ गया है और TCL कहाँ तक पहुँचा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मेरे सामने एक गाड़ी है जो कि कंक्रीट लाती है, तो वो कंक्रीट फिर इसमें डाला जाता है ट्रैक्स को बंद करने के लिए, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो बस आपने क्या करना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ अभी जाके वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये अपडेट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, बस मेरी चैनल पर मिलेंगी। तो ये देखो, यहाँ तक पैनल जो है पैनल्स डाल दी गई है, तो ये गाड़ी है इसमें कंक्रीट लाया गया है ताकि ये ट्रैक्स जो है इसको पूरा बंद किया जाए। तो अभी सीमेंट पाइप्स के ज़रिए इन ट्रैक्स में डाला जा रहा है कि जिससे कि ये ट्रैक्स बंद हो जाए। तो ये देखो, यहाँ तक जो है ट्रैक्स कंप्लीट है, अब बस इनको बंद करना है। तो आप समझो नियर अबाउट यही 170 मीटर के आसपास जो है वो बचता है, जिसमें कि अभी TCL करना बाकी है, और उधर बाहर से भी काम चल रहा है। तो बाहर वाला हिस्सा पूरे टनल की जहां एंट्रेंस है वहां तक लाया जाएगा, फिर यहां से TCL का काम हो जाएगा बराबर टनल की एंट्रेंस तक, फिर उधर से भी आएगा TCL, तो फिर उनको कनेक्ट किया जाएगा। तो ये देखो, अभी यहां तक पूरा कंप्लीट है, इसमें बस खाली क्या करना है, इसमें अब बस कंक्रीट डालना है, जो कि आज दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3 तारीख को ही कंप्लीट हो जाएगा। तो कल फिर से इसमें TCL का काम शुरू हो जाएगा, वो भी नियर अबाउट आप समझो 110 के आसपास या 100 के आसपास हो जाएगा, फिर कुछ ही 70 मीटर आसपास के बचते हैं, फिर बाहर का भी वो एक 200 मीटर है जिसमें फिर TCL करना है उसमें। तो कल यानी 4 तारीख को उसमें
SBL का काम जो हिस्सा बचता था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि 100 मीटर के आसपास बचता है, उसमें पहले राफ्टिंग होगी, उसको बराबर एंट्रेंस जहां तक टनल की एंट्रेंस है वहां तक लाया जाएगा, फिर उसके बाद पैनल्स बिछाई जाएंगी, फिर उसके बाद TCL हो जाएगा शुरू, ट्रैक को बंद किया जाएगा, फिर उसके बाद उसमें कंक्रीट वगैरह डाला जाएगा। तो ये देखो यहाँ तक पूरा कम्प्लीट है। कई सारे भाई बोल रहे थे कि इसमें वायरिंग वगैरह का काम कितना हुआ क्या हुआ। पहले तो मेन जो है वो यही है कि ट्रैक बिछना चाहिए, तो फिर उसके बाद अगर कोई मतलब इक्विपमेंट लगाना भी होगा ऊपर, लाइटिंग का और भी सिग्नल्स वगैरह का, वो कुछ दिन में हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ जो है, मेन यही है कि इसमें पहले TCL होना चाहिए, यानी कि ट्रैक बिछना चाहिए टनल में पूरा, तो फिर वो बाकी का काम जो रहता है वायरिंग का या कुछ लाइट सिग्नल का, वो भी धीरे हो जाएगा, वो कुछ दिनों की गेम है। बट 10 तारीख तक आप समझो, 10 या 15 तारीख तक TCL पूरा कंप्लीट हो जाएगा, T1 P1 वाली फेज से भी और T1 P2 वाली फेज से भी, यानी कश्मीर कनेक्ट हो जाएगा सीधा समझो आप कन्याकुमारी से, यानी ये पूरी लाइन जो है ये कनेक्ट हो जाएगी 10 या 15 तारीख तक। तो फिर उसके बाद जो इक्विपमेंट्स है ऊपर लगाने हैं उसका भी काम शुरू हो जाएगा बाद में। बस मुझे लगता है आपको अपडेट मिल गई होगी। अब आप वेट करो 5 तारीख को, 5 तारीख को मैं वीडियो अपलोड करूँगा 6 बजे। तो आज मैं जाता हूँ, 4 तारीख को आज 4 है, आज मैं फिर से जाऊँगा T1 P1 वाली फेज़ और मैं देखता हूँ कितना काम हुआ है। तो बस आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कोशिश करूँ हर रोज़ अपडेट लाने की। तो बस मिलते हैं अब 5 तारीख को नए अपडेट में, तब तक के लिए बाय।